हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसे और स्टॉक्स के बारे में जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, अगर इन स्टॉक्स को आप कंटिन्यूसली हर महीने कम क्वांटिटी में बाय करते रहते हैं और गिरावट में भी बाय करेंगे, चाहे तेजी में हो या फिर जब स्टॉक गिर रहा हो। आप हर महीने पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिए और इन स्टॉक्स की अगर बाय करते रहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ जो है इन स्टॉक से मिल सकती है। तो स्टॉक्स के हम जो है नाम ब्रीफ में देखने वाले हैं और इसके रिटर्न एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके के रिटर्न दिए हैं। सारी कंपनी बहुत अच्छी है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी से, तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दिक्कत इन कंपनी से नहीं होने वाली है। पहली कंपनी को अगर आप देखेंगे तो पहली कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। 1397 रुपए का प्राइस चल रहा है और अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो 1330% का रिटर्न दिया है। 5 साल में पैसा डबल किया है, 3 साल में भी पैसा डबल किया है और 1 साल में देखें तो लगभग 26% के आसपास में रिटर्न दिया है। इंडस्ट्री पी से अगर ये देखें तो शेयर जो है महंगा है, तो आप लोग इसको एसआईपी में ही बाय कीजिएगा। और इसके अगर आप शेयर बाय करना चाहते हैं तो महीने के 2 शेयर से ज़्यादा आप शेयर बाय मत कीजिएगा। 2 शेयर इनफ है अगर इस कंपनी में आप पोजिशन बनाना चाहते हैं तो। और कंपनी बहुत अच्छी है, एडहेसिव बनाने का काम करती है और आपने फेविकोल अगर आप जब भी देखेंगे उसके बॉक्स पर देखिएगा, आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिखा हुआ ही नजर आने वाला है। यानी कि कंस्ट्रक्शन का वर्क जब तक चलेगा, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का बिजनेस तब तक चलता रहेगा, तो एवर ग्रीन बिजनेस है। लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको ये स्टॉक अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। सेकंड स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आज के सेशन में देखें तो 1388 का प्राइस चल रहा है, 28 रुपए आज के सेशन में ऊपर है, 2.11% का देखें तो अपमूव है आज, और 1 साल में 60% का रिटर्न बना के दिया है। इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा शेयर है, तो आप एसआईपी में ही बाय करें और इसके भी 2 शेयर से ज़्यादा हर महीने बाय ना करें। मैं आपको सारे स्टॉक्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टॉक्स में पोजीशन बना दें। आपको जो स्टॉक अच्छे लगते हैं उन्हीं स्टॉक्स में आप पोजीशन बनाएं। और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जो है हर महीने कम क्वांटिटी में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, और बहुत अच्छा बैंक है। एचडीएफसी बैंक के बाद अगर बैंक कोई आता है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक है जो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जनरली आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों में से किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। कभी भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो इन 3 स्टॉक्स में से जरूर किन्हीं 2 स्टॉक को शामिल करें। और 10 साल में इस स्टॉक ने भी 726% का रिटर्न बनाकर दिया है। उसके अलावा डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी अच्छा है, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, लेकिन कंपनी ने देखिए आप 3 साल में पैसा डबल कर दिया है और पिछले 1 साल में भी लगभग 33% का रिटर्न बना के दिया है, और इसके भी 2 शेयर से ज़्यादा हर महीने बाय नहीं करें आप। उसके बाद अगर देखें इसका एनपीए भी देखिए तो बहुत अच्छा है, 3 से ऊपर एनपीए नहीं है, 3 से भी कम है एनपीए, तो बहुत शानदार है, अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक हमारा पेंटिंग इंडस्ट्री से। अगर हम बात करें एशियन पेंट्स की तो 1751 का प्राइस चल रहा है और आज के सेशन में अच्छी खासी गिरावट हुई है। 10 साल में 875% का रिटर्न है, 5 साल में पैसा डबल किया है, 3 साल में 94% का रिटर्न है, 1 साल में 26% का रिटर्न है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इस कंपनी के भी 2 शेयर आप हर महीने लगातार बाय कर सकते हैं और एसआईपी में ही बाय करें इस कंपनी को। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट, लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, तो इस स्टॉक में गलती से भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, एसआईपी में ही करें। और ये स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टाइम में रिटर्न बनाकर दे सकता है। 10 साल में 2284% का रिटर्न बना के दिया है, 5 साल में देखें तो 215% का रिटर्न है, 3 साल में पैसा डबल कर दिया है, 1 साल में 56% का रिटर्न है। पी ज़्यादा चल रहा है तो एसआईपी में ही बाय करें। डिविडेंड अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन इस स्टॉक में करेक्शन आएगा तो बहुत ज़बरदस्त आएगा, इसलिए एसआईपी में ही बाय करें। बहुत से सब्सक्राइबर क्या करते हैं, कम शेयर का प्राइस होता है, जैसे पीएनबी का शेयर एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने लगभग 86,000 रुपये के आसपास
पीएनबी में पोजीशन बना दी, तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है। एसआईपी में ही बाय करें, कंट्रोल करें अपने ऊपर, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए। उसके बाद देखें नेक्स्ट कंपनी है हमारी रिलैक्सो फुटवियर्स, 10 साल में 6456% का रिटर्न है, 5 साल में 319 का, 3 साल में 217, 1 साल में 67% का रिटर्न है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी के आप 5 से 6 शेयर हर महीने बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा और भी रिटर्न बनाने वाली है, लेकिन एसआईपी में ही बाय करें इस स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बाटा इंडिया का, 1740 का प्राइस चल रहा है। रिलैक्सो या फिर बाटा इंडिया, इनमें से किसी भी कंपनी में बाय करें, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। दोनों अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। उसके बाद देखें तो ये कंपनी भी 5 साल में पैसा डबल किया है, 3 साल में 276 और 1 साल में 56% का। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है। अगर एक साल में कोई कंपनी आपको 56% रिटर्न बना के दे रही है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती हमारी, क्योंकि कोई भी बैंक आपको इतना बड़ा रिटर्न नहीं बनाकर दे सकता। और बाटा इंडिया जैसी कंपनी में अगर करेक्शन भी आ गया, अगर एक साल के लिए भी करेक्शन आ गया, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में वापस अच्छा रिटर्न बना के देगी, इस तरीके के स्टॉक ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बने और इन स्टॉक से वेल्थ बनेगी। आप लोग जो है खरीद कर देखिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हेवल्स इंडिया। बहुत जने बोल रहे हैं स्टॉक से एग्जिट हो जाए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इस लेवल से जो है हेवल्स इंडिया में बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए हमें एसआईपी में। लगातार इस कंपनी के भी 4 से 5 शेयर हर महीने आप बाय कर सकते हैं, 3 साल में 93% का रिटर्न है, 5 साल में देखिए 140 का, 10 साल में 1183% का, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में जरूर बनाकर देगी ये कंपनी। और नेक्स्ट कंपनी है हमारी मुथूट फाइनेंस, 769 का प्राइस चल रहा है, 5 साल में देखें तो 276% का रिटर्न है, 1 साल में भी 55% का रिटर्न है, और भी ज्यादा रिटर्न बनाने का ये कंपनी पोटेंशियल रखती है, डिविडेंड भी ज्यादा है, और ये स्टॉक तो आपको बहुत ही सस्ते में अवेलेबल हो रहा है। फिर भी मेरी ये एडवाइस रहेगी कि 4 शेयर से ज्यादा इसके जो है हर महीने आप बाय मत कीजिएगा, 4 शेयर आप बाय कर सकते हैं, ताकि आपके पास हमेशा चांस रहे कि जब भी करेक्शन आए तो स्टॉक ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंपनी है, शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है, नेस्ले इंडिया 14577 का, लेकिन कंपनी ऐसी है कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देगी और 10 साल में 472% का रिटर्न आपको कम लग रहा होगा, तो नेस्ले इंडिया में क्या करें, जैसे ही आपका पैसा डबल करे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जैसे ही नेस्ले इंडिया अगर प्रॉफिट आपको डबल कर देती है तो उस समय आप आधा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, जिससे आपके पास इसमें रिस्क बहुत मिनिमम हो जाएगी और उसके बाद भी रिटर्न मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। तो ये रहे हमारे आज के 10 स्टॉक। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।